हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आज हम बात करेंगे जीरो फील्ड स्प्लिटिंग पर। हमने लास्ट क्लास में ESR का प्रिंसिपल के बारे में बात करी थी और वहां पर मैं एक छोटी सी चीज भूल गया था, सिलेक्शन रूल्स। वो जीरो फील्ड स्प्लिटिंग और क्रैमर डिजेनरेसी करने के बाद हम उसको देख लेंगे, वो लास्ट क्लास में मिस हो गया था, तो आज हम उसको भी इसके साथ पढ़ेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं जीरो फील्ड स्प्लिटिंग की। जीरो फील्ड स्प्लिटिंग वो स्प्लिटिंग है, उस तरह की स्प्लिटिंग जिसमें जो स्पिन लेवल्स होते हैं वो स्प्लिट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कि जैसे हमने लास्ट अपनी क्लास में देखा कि ये किसी भी एक स्पीशीज में अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास क्या होगा, एक तो होगा स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ और एक उसके साथ क्या जुड़ा होगा, मैग्नेटिक मोमेंट, यानी कि प्लस माइनस हाफ। ठीक है, जब हम इस पे कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंपोज नहीं करते हैं तो ये आपको कैसा देखा, एज इट इज एक एनर्जी लेवल, डीजनरेट एनर्जी लेवल, ये इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। बट वी व्हेन वी इंपोज इस पे हम क्या लगाते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंपोज कर दिया है अब इस वाले, तो इसके जो यहां पर जीमन इफेक्ट अप्लाई हो जाता है कि इसके जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ एक बार पैरेलल और एक बार एंटी पैरेलल इंट्रैक्ट करके दो ऊर्जा लेवल बना देगा, एक माइनस हाफ एक प्लस हाफ। ठीक है ना, जिसकी हमने ऊर्जा के बारे में भी डिस्कशन किया था, और फिर यहां से सिग्नल हमें प्राप्त होगा कि यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करके अपनी नेक्स्ट एनर्जी स्टेट में जाएगा और यहां पर क्या एब्जॉर्ब करेगा, ये माइक्रोवेव एनर्जी। कौन सी, माइक्रोवेव एनर्जी। और इस वक्त इसका जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो नहीं है, वो क्या है, जीरो नहीं है। तो ये हम बात कर चुके थे, लेकिन अगर हम बात करें कि जो ये इसके एनर्जी लेवल्स हैं वो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ही अगर स्प्लिट करने लग जाए कुछ इस तरीके से, तो वो कहलाती है जीरो फील्ड स्प्लिटिंग। इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग द स्प्लिटिंग ऑफ इन स्पिन लेवल्स, ध्यान रखिएगा हम क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ स्पिन लेवल्स, इस चीज का ध्यान रखिएगा। यहां पे मैग्नेटिक एनर्जी मतलब यहां पे जीमन इफेक्ट नहीं लगेगा, क्योंकि हमने यहां पर तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डाला ही नहीं है, हमने तो कहा है कि स्पिन जो लेवल्स होते हैं जैसा ये, ठीक है ना, एस स्पिन क्वांटम नंबर से जो रिलेटेड होते हैं, उनकी अगर स्प्लिटिंग हो जाए इन द एब्सेंस ऑफ, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड जीरो फील्ड स्प्लिटिंग। ठीक है ना, इज कॉल्ड जीरो फील्ड स्प्लिटिंग, इस बात का ध्यान रखना है। तो इसके लिए क्या सर हर कोई जीरो फील्ड स्प्लिटिंग शो करेगा, नहीं, ये इसके लिए कुछ सर्टेन अपनी कंडीशंस होती हैं जिनको हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन आपके जीरो फील्ड स्प्लिटिंग देंगे। इसी को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास क्या कंसेप्ट आता है, क्रैमर्स रूल भी आप कह सकते हैं। ठीक है ना, जो क्रैमर का कंसेप्ट है वो आपको क्या बताता है कि सर जीरो फील्ड स्प्लिटिंग के दौरान जो स्प्लिट हुए भाई क्या क्या कंडीशन है, क्यों हो रहे हैं, तो ये चीज आपको समझना होगा। ये क्रैमर डीजनरेसी कह लो, क्रैमर रूल कह लो, डीजनरेसी, क्रैमर डीजनरेसी या क्रैमर रूल, इसमें बताता है कि सर बिना एक्सटर्नल फील्ड के ही आपके अगर स्पिन लेवल्स स्प्लिट होने लग जाएं तो उसका कारण क्या है, किस तरीके से, क्या बेसिक उसका रीजन है। इसके लिए सबसे सिंपल छोटा सा जो बेसिक रीजन होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक इंट्रैक्शन, जो इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक इंट्रैक्शन है, बेसिक फंडामेंटल जो कंसेप्ट है इसमें कहते हैं इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक, मतलब सिंपल सा इंटरनल जो रीजन है। फिर हम बात करेंगे कौन करेगा, देखो दो चीजें होती हैं, क्यों हुआ और फिर कैसे हुआ, तो इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक इंट्रैक्शन, यूजुअली हम रिपल्शन इसमें बोलते हैं पर यहां हमने बोला है, एक स्टेटमेंट है जो बुक्स में मिलता है, इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक इंट्रैक्शन।
तो जो आपस में इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन लगता है उसकी वजह से जो स्पिन लेवल्स हैं वो कई बार क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। इसके लिए एक छोटी सी कंडीशन है, वो क्या कंडीशन है कि भाई उसमें कम से कम मोर देन वन ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। पहली ये रीजन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फॉर एग्जाम्पल थ्री, फॉर एग्जाम्पल थ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो या अनपेयर्ड, ठीक है ना, ऑड नंबर ऑफ, मैं लिख देता हूं, सॉरी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, क्योंकि जो ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये केवल किसके लिए लागू होती है, ये लागू होती है जिनमें कम से कम क्या हो, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है, ठीक है ना। तो प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन ऑड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जैसे तीन इलेक्ट्रॉन किसी में मौजूद है, पांच इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इवन वाले में नहीं होगी क्योंकि वहां पे लेवल डिजेनरेसी उनकी रिमूव नहीं हो पाएगी, वो भी बात करते हैं। तो यहां पे ना हमारे पास ये बेसिक कंसेप्ट है, देखिए पहला है जीरो फील्ड स्प्लिटिंग, कि सर अगर बाय चांस हमारे जो स्पिन एनर्जी लेवल्स हैं बिना मैग्नेटिक फील्ड इंपोज करे ही क्या होने लग जाए, स्प्लिट होने लग जाए, तो उसको बोलते हैं जीरो फील्ड स्प्लिटिंग। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्रैमर डिजेनरेसी या क्रैमर रूल आया, वो क्या बताता है, वो बताता है कि सर जो इलेक्ट्रॉनिक जो स्प्लिटिंग हो रही है वो आपकी क्या हो रही है कि सर उसमें इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक इंट्रैक्शन की वजह से वो स्पीशीज जिसमें एक से ज्यादा, मतलब एक से ज्यादा ऑड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपकी डिजेनरेसी रिमूव कर देगी या स्प्लिटिंग शो करेगी। हम स्प्लिटिंग को हम कई बार कहते हैं रिमूवल ऑफ डिजेनरेसी, कि डिजेनरेसी रिमूव हो जाएगी। हम डिजेनरेसी एक बार दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं, डीजेनरेसी माने होता है वो एनर्जी लेवल्स जिसपे सारी ऊर्जा की अवस्थाएं सेम होती है, सिमेट्री सेम होती है। ये अभी हम इसके बाद थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि सारी चीज मैं आपको बेसिक कंसेप्ट में सारे बता दूंगा। तो ये दो बिंदु हमारे थे जिसमें हम अब डिटेल में पढ़ेंगे, क्रैमर रूल और क्रैमर रूल में मैं एग्जाम्पल के साथ बात करेंगे तीन और पांच इलेक्ट्रॉन की क्या क्या कंडीशंस हैं। तो पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट, जैसे डीजनरेसी माने क्या होता है, डबली डीजनरेट स्टेट क्या होता है, ट्रिपली डीजनरेट स्टेट क्या होता है, इसको पढ़ते हैं, ठीक है। डीजनरेसी इज दैट स्टेट एट विच मोर देन वन क्वांटम स्टेट्स हैविंग सेम एनर्जी, मतलब हम कह सकते हैं अगर सपोज करिए ये डी ऑर्बिटल है, एक दो तीन चार पांच, यानी डी फाइव स्टेट है आपके पास, जब डी फाइव स्टेट है और इसके पांचों ऑर्बिटल अगर सेम एनर्जी लेवल पे हो और सबकी सिमेट्री सेम हो तो उसको बोलेंगे डी जनरेट स्टेट या डी जनरेसी, कि भाई ये डी जनरेसी है। और एनी हाउ अगर ये क्या हो जाए, जैसे आपने उसमें पढ़ा है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में टी टू जी और ई जी में स्प्लिट कर जाते हैं जब लिगेंड आता है, ठीक है ना, ये ई जी हो गया, ये टी टू जी हो गया, ये जो पांच ऑर्बिटल्स हैं अगर ये आपके क्या हो गए, स्प्लिट कर गए कहां पर, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में, तो इसको बोलते हैं रिमूवल ऑफ डी जनरेसी। रिमूवल ऑफ डी जनरेसी, और ये क्या है, डी जनरेट स्टेट है, ये सिंपल की बात है। डीजनरेसी की मतलब वो कोई अवस्था जिस पर एक से ज्यादा जो क्वांटम स्टेट होती है वो सेम पोजीशन पर लाई करते हैं, सेम एनर्जी लेवल पर लाई करती है। सॉरी, अब बात करते हैं डबली डीजनरेट स्टेट। ये डबली डीजनरेसी, डबली डीजनरेसी का मतलब होता है कि जब दो ऑर्बिटल्स जिनकी सेम एनर्जी हो और सेम सिमेट्री हो, सेम उस पर, यानी कि व्हेन टू ऑर्बिटल्स, व्हेन टू ऑर्बिटल्स हैव सेम एनर्जी एंड सेम सिमेट्री, देन दिस स्टेट इज कॉल्ड डबली डीजनरेट स्टेट। अब बात कर लेते हैं ट्रिपली डीजनरेट स्टेट की, भाई ट्रिपली क्या है, ट्रिपली डीजनरेट स्टेट क्या होते हैं, ट्रिपली क्या होते हैं, ट्रिपली डीजनरेट स्टेट जिस पर तीन ऑर्बिटल आके क्या होंगे, सेम अवस्था में आएंगे, मतलब तीन जो ऑर्बिटल एनर्जी लेवल होंगे वो क्या होंगे, तीन बिल्कुल सेम सिमेट्री और सेम एनर्जी लेवल पे होंगे, इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपली डीजनरेट स्टेट। तो ये डबली और ट्रिपली दो, मतलब
एक हो गया डिजनरेट, एक डबली डिजनरेट, एक ट्रिपल डिजनरेट। अब जो क्रैमर डिजनरेसी होती है, क्रैमर डिजनरेसी में आपको डबली डिजनरेट स्टेट मिलते हैं जिसको क्रैमर डबलेट भी बोलते हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं। रूल आपको मैंने बता दिया है कि कम से कम क्या होना चाहिए, मोर देन वन ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो आप D3 हो सकता है, D5 के लिए D3 का एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करिए ये D3 सिस्टम, इसमें आपने बाहर से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड इम्पोज नहीं किया है, बट रीजन आपको मैंने बताया इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक इंट्रैक्शन। क्या होता है, रीजन भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। कॉजेस क्या है, नंबर वन मैंने क्या बताया, इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन, ठीक है ना, किसके लिए, जो रिपल्शन हो रहा है जिससे डीजनरेसी रिमूव होगी, ठीक है ना। रीजन या कॉजेज ऑफ रिमूवल ऑफ डीजनरेसी ध्यान रखिएगा, ये क्या है, कॉजेज किसके लिए बता रहे हैं, रिमूवल ऑफ डीजनरेसी के क्या है। दूसरा है स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग, जो ऑर्बिटल कपलिंग होगी उसकी वजह से भी इस पे इंट्रैक्शन लगता है और इसकी डिजनरेसी रिमूव यानी कि स्प्लिटिंग हो जाती है स्पिन एनर्जी लेवल्स में, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो दो बिंदु हमारे, आप इन पॉइंट्स को नोट भी कर सकते हैं क्योंकि ये आपको बार बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं जैसे D3 स्टेट, ठीक है ना, ये पांच ऑर्बिटल थे लेकिन दो खाली हैं और तीन में आपके इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब आपने क्या किया जी, इसमें हमने कोई एक्सटर्नल फील्ड, मैं लिख देता हूं B=0, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है, अभी अप्लाई नहीं हुआ है, लेकिन इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन के आपस में इंट्रेक्शन से या जो ऑर्बिटल है उनकी ऑर्बिटल कपलिंग की वजह से ये जो ऑर्बिटल है इनकी डीजनरेसी रिमूव होने लग जाती है। अब ये होगी किस बेसिस पे, तो ये होती है स्पिन क्वांटम नंबर जो हम निकालते हैं। स्पिन आप एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होता है, प्लस हाफ। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हैं आपके, ये आपके आ गए ms, इसका निकालेंगे प्लस हाफ, तो कितना हो गया 3/2, ठीक है, 3/2 टोटल आया है, टोटल आपका स्पिन आपके आ गए +3/2 आ गया। अब जो एनर्जी लेवल बनते हैं वो कैसे बनते हैं, एनर्जी लेवल को आप इसमें कैसे डिवाइड करेंगे, प्लस से माइनस तक जाएगा, यानी कि अगर ये +3/2 है तो दूसरा होगा +0.5, तीसरा फोर्थ होगा कौन सा, -0.5, और नेक्स्ट हो जाएगा -3/2। ये आपके चार ऊर्जा लेवल, चार एनर्जी आपके लेवल आपके क्या हो जाएंगे, डेवलप होंगे इसके स्पिन की वजह से। अब जो ये डीजनरेसी के जो चार आपके एनर्जी लेवल आएंगे किसमें आ रहे हैं, D3 स्टेट है, ठीक है, किसमें है, D3 लेवल में है। अब क्रैमर डीजनरेसी, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, क्रैमर डीजनरेसी। क्रैमर डीजनरेसी के अकॉर्डिंग जो ड्यूरोफील्ड स्प्लिटिंग है उसी में ड्यू टू द इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक इंट्रैक्शन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, देखिए ड्यू टू द इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक इंट्रैक्शन एंड स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड द डीजनरेसी ऑफ स्पिन लेवल द डीजनरेसी ऑफ स्पिन एनर्जी लेवल्स has been removed, क्या हो जाती है, रिमूव्ड हो जाती है, ठीक है ना, और हमें क्या डेवलप हो जाती है, एंड न्यू डबली डीजनरेट एनर्जी लेवल्स क्या हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे। कैसे, जैसे ये थी, अब इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से इसमें क्या हो जाती है, दो तरह की आपकी ऊर्जा लेवल्स डेवलप हो जाएंगे, एक हाफ वाले और एक 3/2 वाले, +-0.5 और आपका +3/2, ये आपके क्या कहलाएंगे, डबली डीजनरेट स्टेट हैं, क्योंकि एक ऊर्जा लेवल में कितने आ रहे हैं, दो आ रहे हैं, इसको क्रैमर डबलेट भी बोलते हैं, क्या बोल देते हैं, क्रैमर डबलेट भी
बोल देते हैं कि देखिए प्लस माइनस, तो ये अभी आप ये बिल्कुल सेपरेट नहीं हुए हैं, ये क्या है केवल अपनी डबलेट फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। दिस कंडीशन इज कॉल्ड क्रैमर डीजनरेसी। ये हमने डी थ्री सिस्टम में देखा है, सेम हम डी फाइव में भी चेक कर सकते हैं। जो एमएस मतलब न्यूक्लियर एज जो स्पिन नंबर स्पिन टोटल स्पिन है उसकी वैल्यू पर 3/2। अब अगर डी फाइव होता है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल यहीं पे ले लेते हैं। अगर हमारे पास क्या है डी फाइव है, अगर डी फाइव है तब आपके पास क्या होगा जी, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। मैं इसी में बना देता हूँ, अगर ये डी फाइव होगा तब कितने होंगे, तो आपका इसका एमएस की वैल्यू कितनी आएगी, 2 इलेक्ट्रॉन। और जोड़ देते हैं तो आपका यहाँ पे कन्वर्ट हो गया 5/2। तो 5/2 के ऊर्जा लेवल्स क्या क्या बनेंगे, तो हम यहाँ पे बात करें एक होगा प्लस 5/2, एक 3/2 प्लस हाफ, क्योंकि 1 का डिफरेंस चलना है। यहाँ से 1 का डिफरेंस किया, ये आप लोगों ने पढ़ी रखा है प्लस माइनस 1 आई I प्लस टू प्लस माइनस 1 रहेगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे वी 1 का और फिर यहाँ से 1 1 का, और इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, जो एनर्जी लेवल्स इसके डेवलप होंगे, स्पिन लेवल्स डेवलप होंगे। तो आपके कितने लेवल्स आ गए, ये आपके लेवल्स आ गए, ठीक है ना। प्लस 3 प्लस 5/2 प्लस 3/2 प्लस हाफ एंड और यहाँ पे प्लस 5/2 माइनस 5/2 लिखना मैं भूल गया हूँ, ये लिखे। तो टोटल आपके अब यहाँ पे कितने पेयर बने, प्लस 5/2 का और यानी कि ये प्लस माइनस 5/2, ये किसका बन गया है डी फाइव का। यहाँ पर कोई भी आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया है, ये क्रैमर ये कौन से हैं, क्रैमर डीजनरेसी है, लेकिन कौन सी डबली डीजनरेट स्पिन लेवल्स हैं, इसको हम बोलते हैं डबली डीजनरेट स्पिन लेवल्स, ठीक है। तो ये हमारी हो गई है क्रैमर डीजनरेसी। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। अब आखिरी जो मैंने शुरू में बताया था कि लास्ट वीडियो लेक्चर में मैं भूल गया था सिलेक्शन रूल आपको बताना, वो उसी में बात करनी थी, लेकिन आज उसको हम पूरा कर लेते हैं। तो ESR के लिए सिलेक्शन रूल है, जो सिलेक्शन रूल्स हैं वो बड़े आसान हैं, वो आप लोग बड़ी आसानी से लर्न कर सकते हैं। एक तो डेल्टा एस इक्वल्स टू 0 और डेल्टा इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, ये अभी मैंने आपको बताया कि प्लस माइनस 1, ठीक है। डेल्टा एस इक्वल्स टू 0 का मतलब हम कई बार पहले भी बात कर चुके हैं कि जो एक इलेक्ट्रॉन अपनी एक ऊर्जा लेवल से, सपोज करिए इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल था किसी एक्स वाई जेड कोई भी हो सकता है, ये जम करके माइक्रोवेव एनर्जी अब्सॉर्ब करके यहां पर माइक्रोवेव आपने डाल दिया और वो रेडिएशन एब्जॉर्ब करके नेक्स्ट एनर्जी लेवल पर जाता है, तो इसका स्पिन नहीं चेंज होना चाहिए, ऐसा नहीं कि प्लस का माइनस हो जाए, इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये अलाउ ट्रांजिशन वही होगा जिसमें क्या होगा, जो स्पिन है वो चेंज नहीं होगा, स्पिन रिमेंस सेम। तो ये आपका कहलाता है पहला डेल्टा एस। दूसरा है जो दो एनर्जी लेवल जो बनेंगे उनके बीच में गैप कितना होना चाहिए, 1, जैसे अभी मैंने बताया अगर 3 प्लस 3/2 है, अगर उसका न्यूक्लियर सॉरी स्पिन इलेक्ट्रॉनिक स्पिन टोटल इलेक्ट्रॉनिक स्पिन एमएस इक्वल्स टू 3/2 आता है, तो भाई दूसरे ऊर्जा लेवल कैसे बनाएंगे, बड़ा सिंपल था है सर, प्लस माइनस 1 का गैप रहेगा। तो आप इसको करेंगे प्लस 3/2 था, इसमें से एक घटा सकते, आपका क्या आया हाफ, तो 2 तो ये पता लग गया। अब ये तब तक चलेगा जब तक, क्योंकि प्लस माइनस है, माइनस स्टेट तक जाना इसी में, तो प्लस हाफ से दूसरा 1 अगर इसमें से घटाएंगे क्या बचा, माइनस हाफ, भाई आधा ये और आधा इसका, तो ये आपका तीसरा, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल, ये सेकंड, ये थर्ड, और माइनस हाफ से क्योंकि हमें तब तक चलना है जब तक 3/2 माइनस में ना मिल जाए, प्लस माइनस जाना है, तो ये आ गया माइनस 3/2। अगर ऐसे 5/2 होता तो 1 1 1 सब्सट्रैक्ट करते चलते, तो हमें सारे ऊर्जा लेवल के बारे में पता लग सकता है। दूसरी बात जो सेकंड है, जिसको हम लेपोर्टे रूल भी बोलते हैं, ऑर्बिटल रूल है, वो तो बड़ा सिंपल सा है, उसको भी आप याद कर सकते हैं। जो पीओडी ऑर्बिटल्स में I should be absent.
सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होनी चाहिए, एब्सेंट होनी चाहिए, अदरवाइज वो फॉरबिडन हो जाएगा आपका ट्रांजिशन, ठीक है जी। उस ऑर्बिटल में क्या होना चाहिए, आपकी आई एब्सेंट होनी चाहिए, एक ये। तो ये आपके सिलेक्शन रूल थे जो ईएसआर में हम लोग यूज करते हैं, इनको आप जरूर याद रखिएगा। और लास्ट एक टॉपिक आज की हम बारे में बात करते हैं, वो है लैंड स्प्लिटिंग फैक्टर। जिसको जी भी बोलते हैं, लैंड स्प्लिटिंग फैक्टर या जी, लैंड स्प्लिटिंग फैक्टर और जी फैक्टर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये लास्ट उसमें हमने अपनी क्लास में भी थोड़ा सा डिटेल में नहीं पढ़ा था, आज हम इसको ज्यादा डिटेल में पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये इसको इसको एक सिंपल तरीके से जो लेमन लैंग्वेज में हम इसको बोल सकते हैं, डायमेंशन लेस मैग्नेटिक मोमेंट, हम इसको डायमेंशन लेस मैग्नेटिक मोमेंट भी बोल सकते हैं। कि भाई इसकी डायमेंशन नहीं होती है, तो वो डायमेंशन लेस मैग्नेटिक मोमेंट हमारा क्या होता है, लैंड स्प्लिटिंग फैक्टर। और सिंपल तरीके से अगर एक्सप्लेन करना हो तो जो एनएमआर में केमिकल शिफ्ट होता है, तो यही है आपका केमिकल शिफ्ट वैल्यू, केमिकल शिफ्ट भी कह सकते हैं इसको। किसके रिस्पेक्ट में, एनएमआर के रिस्पेक्ट में, मतलब हमें क्या बताता है, सॉरी, ये जैसे केमिकल शिफ्ट क्या बताती है आपको, पीक पीक की दूरी, किससे, टीएमएस से किसी सिग्नल की दूरी बताती है। सेम ये भी क्या बताता है, जो आपके स्प्लिटिंग हो रही है, स्प्लिटिंग के बीच की डिस्टेंस बेसिकली। तो इसको 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 और तरीके से कह सकते हैं, जी जी इज यूज टू डिटरमाइन द स्केल ऑफ स्प्लिटिंग। इस चीज को नोट कर लीजिए, जी इज यूज टू डिटरमाइन द स्केल ऑफ स्प्लिटिंग। इस तरीके से कहें ये साइंटिफिक भी हो गया, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन के लिए अगर जी की वैल्यू है वो फिक्स होती है, आप याद कर सकते हैं, ये होती है 2.0023, ये कंपटीशन में बहुत आता है, ये वैल्यू भी आप लर्न कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो ऊर्जा लेवल में स्प्लिटिंग हो रही है, जैसे ये हो रही है ना, ये स्प्लिटिंग आई, या जो वो अभी हाइपर फाइन स्प्लिटिंग में जो स्प्लिटिंग होती है, तो वो स्प्लिटिंग जो हो रही है वो किस फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, आप कह सकते हैं सर वो जी पे डिपेंड कर रही है, जी वो बताता है बेसिकली। आप इसको हम क्या बता सकते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं कि भाई ये सर एक कॉन्स्टेंट भी है, क्योंकि हमने लास्ट फार्मूले में जो एनर्जी का फार्मूला पढ़ा था उसमें जी म्यू एंड डी वी नॉट, ठीक है ना। तो ये जी आपका क्या है, एक कॉन्स्टेंट भी है और स्प्लिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है जी। तो ये आपका एक लास्ट टॉपिक हमारा इसमें बचा हुआ था, तो इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। मीन्स ये, और ये किस चीज पे डिपेंड करता है या क्या चीज है, तो इसको बता देते हैं, ये जो ऑर्बिटल, ठीक है ना, ऑर्बिटल एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है, ये इसके लिए, ये इससे कोरिलेट करते हैं, मतलब इट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्बिटल एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम। इस चीज को आप नोट कर सकते हैं कि भाई जो स्केलिंग फैक्टर है वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, तो भाई आप कहेंगे इट डिपेंड्स अपॉन द कपलिंग बिटवीन टू मोमेंट्स, और पूरा लिख लीजिएगा इसको, जो स्केलिंग फैक्टर है, स्केलिंग फैक्टर डिपेंड्स अपॉन द कपलिंग बिटवीन ऑर्बिटल एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम। लीजिए आपके जी फैक्टर या लैंड स्प्लिटिंग फैक्टर के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। एक छोटा सा टॉपिक और है, वो भी अभी हम लगे हाथ आज बात कर लेते हैं, क्योंकि अब नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर में डालूंगा उसमें बात करेंगे हाइपर फाइन स्प्लिटिंग की। तो उसमें विद, क्योंकि उसमें काफी एग्जांपल्स रहते हैं, तो उसमें केवल हाइपर फाइन स्प्लिटिंग ही डिस्कस करूंगा। आज एक छोटा सा बात है, ईएसआर स्पेक्ट्रम फटाफट हो जाएगा, जरा सा इसको देख लेते हैं। ईएसआर स्पेक्ट्रम, जो ईएसआर स्पेक्ट्रम है, एनएमआर में आपको शार्प पीक्स मिलते हैं। जो ईएसआर होता है इसमें क्या होता है, आपको बड़ी ब्रॉड, क्या होती है, बड़ा बड़ा वाइड या ब्रॉड आपको सिग्नल मिलेगा, जैसे कुछ इस तरीके का, हमें पता ही नहीं लगेगा कि स्प्लिटिंग क्या है। तो स्प्लिट, अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों होता है, भाई इसका रिलैक्सेशन टाइम बहुत कम है। क्या होता है, जो वाइड
वेरी 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 लो एज कंपेयर टू एनएमआर। तो जो विड्थ होती है, विड्थ ठीक है ना, जो सिग्नल की विड्थ होगी वो किस चीज पे डिपेंड करेगी, डेल्टा टी रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। रिलैक्सेशन टाइम यानी जितना रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, कम होगा, उतनी विड्थ चौड़ी हो जाएगी। तो बड़े चौड़े चौड़े होते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की जो रिएक्ट करने की टेंडेंसी है वो बड़ी फास्ट है, वो जो एक्साइट होने की टेंडेंसी है वो बड़ी फास्ट है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, इसका रिलैक्सेशन टाइम बहुत कम होता है, तो विड्थ क्या हो जाती है, चौड़ी। तो क्या मतलब आपको बड़ा ही, तो हम इसको सेपरेट कैसे करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? फॉर एग्जाम्पल मैं एक बताता हूँ, इसके नोट्स मेरे वेबसाइट पर www.chemistrybygupta.sir.in MSc सेक्शन में, ठीक है, www.chemistrybygupta.sir.in केमिस्ट्री एमएससी केमिस्ट्री में ESR की यूनिट में पहले से मौजूद है। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, अच्छे से आपको ग्राफ या सब चीज दिखाई देंगे। जैसे सपोज करिए हमें ट्रिपलेट है, पर हमें तो पता नहीं लगता ट्रिपलेट है, क्योंकि हमें तो कुछ ऐसा मिलेगा बस, वो हम जज ही नहीं कर पाते, ठीक है ना। ये एब्जॉर्बेंस है, इधर ये ऊपर एब्जॉर्बेंस चली गई भाई, कितना माइक्रोवेव उसने एब्जॉर्ब करा है, ठीक है ना। अब ये इधर स्ट्रेंथ है कि आपने कितनी फील्ड स्ट्रेंथ डाल दी। हम इसको डेरिवेटिव में, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा ये पीस, ये बेसिकली जो पीस आ रही है, जो स्प्लिटिंग वाली है, ये थोड़ी फाइन होने लग जाएंगे, ठीक है ना। ये कुछ कुछ फाइन, ये आप उसमें मेरे वेबसाइट पे जो नोट्स पढ़े हैं उसमें बहुत अच्छे से डायग्राम बना हुआ है, ठीक है ना। और अगर हम ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव फॉर्म। अब हम इसको सेकंड डेरिवेटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। सेकंड डेरिवेटिव फॉर्म में अगर देखेंगे तो आपको बड़ी सुंदर सी पीक दिखाई देगी, ठीक है जी। तो ये एक सिग्नल एक था, पर ये पहला था प्राइमरी, हमें बड़ा ब्रॉड मिलता है, ठीक है ना, क्योंकि इसका रिलैक्सेशन टाइम ESR में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, बहुत ही कम होता है, जिससे विड्थ क्या हो जाती है, ज्यादा, क्योंकि विड्थ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिलैक्सेशन टाइम के। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो हम इसको डेरिवेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करके निकालते हैं। तो इस तरीके से हमारा ESR का प्रिंसिपल, जीरो फील्ड स्प्लिटिंग, क्रैमर डीजेनरेसी, जी फैक्टर और स्पेक्ट्रम, ये टॉपिक सारे कवर होते हैं। तो और इसके बाद हमारा बचेगा हाइपर फाइनल स्प्लिटिंग, जिसको नेक्स्ट हम वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।